टिहरी गढ़वाल के चंबा बहेड़ा नागड़ी जोलगांव व कई अन्य गांवों को जोड़ने वाला मोटर मार्ग पिछले लंबे समय से खस्ताहाल स्थिति में है। स्थानीय लोग समय समय पर सड़क मार्ग को दुरुस्त करने की मांग करते रहते हैं, लेकिन हर बार जनता को निराश होना पड़ता है। 2 माह पूर्व भी इसी मार्ग को बेहतर करवाने के लिए चंबा गब्बर सिंह चौक पर स्थानीय लोगों द्वारा धरना दिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप विभागीय अधिकारी धरना स्थल पर पहुंचे और लोगों को 1.5 माह में सड़क की बदहाल स्थिति को ठीक करने का आश्वासन देकर धरने को समाप्त करवा दिया गया। लेकिन 1.5 माह के समय को अब 2.5 माह से अधिक का समय होने को है, पर अभी तक मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि लोक निर्माण विभाग व वन विभाग अब इस सड़क मार्ग को ठीक करने की बजाय अटकलें डालने लगा है। इस मोटर मार्ग के बीच में कई पेड़ आ रहे हैं, ये कहकर बात को टाल दिया जा रहा है, जबकि यह मोटर मार्ग कोई नया नहीं है और ना ही इसके कटान की बात हो रही है। मोटर मार्ग पर डामरीकरण करने की मांग हो रही है, जिसको जिम्मेदार विभाग न जाने क्यों टालने का प्रयास कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने इस बार साफ कर दिया है कि या तो शासन प्रशासन को जल्द मांग माननी होगी या फिर बड़े स्तर पर लोगों द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा, और अगर तब भी जिम्मेदार अमला नहीं जागा तो लोग आत्मदाह करने को भी मजबूर होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। मैं पूर्व प्रधान दिनेश भंडारी हूँ, छोटा छोटा से समस्या हमारी 15-20 साल से जो चंबा नागणी बाईपास मार्ग है, इसकी खस्ताहाल स्थिति हो रखी है, जिसके लिए हम लगातार जनता दरबार के माध्यम से व इनके विभागीय अधिकारियों को अवगत करा के कई बार हमने लिखित में कार्रवाई की है। इसके लिए हमने पिछले माह 2-3 महीने हो गए, उसके लिए हमने चंबा चौक पर धरना भी दिया था। उसमें हमें लिखित रूप से सहमति बनी थी कि 1.5 माह के अंदर ये जो भी समस्या है इसका समाधान किया जाएगा, लेकिन अभी तक 3 माह होने वाले हैं, अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई। लगातार विभागों द्वारा इसमें कोई ना कोई आपत्ति लगाई जा रही है। जो रोड जहाँ पर हमारा रोड का कार्य होना है, रोड पहले से बना हुआ है, उसमें वन भूमि में कोई पेड़ नहीं आता है। वन विभाग द्वारा जानबूझ के इस कार्य को लटकाने का काम किया जा रहा है, उसमें उनको पेड़ों को मुद्दा बना के उसको आपत्ति दर्ज करा दी गई है, जिससे कि ये कार्रवाई आगे नहीं बढ़ रही है। जबकि चंबा ITI मार्ग पे एक रोड नव निर्माण हो रहा है, उसके लिए कई बांज के पेड़ मरम्मत से दबान हो रहा है और काटे भी जा रहे हैं, उसकी ओर विभाग का ध्यान नहीं है। लेकिन जो ये जनता की 15-20 साल से इतनी बड़ी समस्या है, उसके लिए विभाग द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसके लिए अगर ये विभाग इसको कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ाता है तो इसके लिए हमें बड़ा आंदोलन छेड़ना पड़ेगा, जिसकी समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी या विभाग की होगी। भाई जी, मैं रविंदर सिंह नकोटी जी की, यहाँ इस रोड को देखो तुम कि बिल्कुल ऊपर मसूर रोड का पूरा मलमारा है यहाँ, और स्कूटर वाले, वो टू व्हीलर वाले, पैदल वाले चलना मुश्किल हो रखा है। कौन सी रोड है ये है? नागणी जोलगांव वाली, ठीक है। बहुत सारे गांव जुड़े हुए हैं यहाँ से जरदार गांव, कुड़ियाल गांव, बहेड़ा, नागणी, नागदेव, कथल। और जो ये टूटा हुआ है यहाँ पे, ये कब से टूटा हुआ है? ये तो कब से, 1-1.5 महीना हो गया। ने बहुत सही बात करी कि पूरे चंबा की हालत जर्जर है, लेकिन विशेषता सुमन कॉलोनी वाली रोड जिसको आप कह रहे हैं, वो सुमन कॉलोनी की ना होकर के लगभग दर्जनों ग्राम सभाओं की रोड है, और आप स्थिति देखेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत भयावह स्थिति है, और उसको भी ज़रूर आप देखेंगे। और देखिए, वो राज के इंटर कॉलेज में वहाँ से लोग पहुँचते हैं, वहाँ पर हमारे ज्ञानदीप स्कूल है, वहाँ पर लोग बच्चे पहुँचते हैं, और बड़ा कष्ट का माहौल है, कोई कभी भी कोई घटना घट सकती है, और पूरी रोड धस चुकी है। ये जो चंबा बहेड़ा मोटर मार्ग है, नागणी मोटर मार्ग है, इसमें विगत हम कई सालों से इसमें ज्ञापन दे रहे हैं, और जो ये समस्या ये करीबन 15-20 साल से है, हम हर बार ज्ञापन देते हैं और हर बार प्रशासन द्वारा हमें ऐसे ही लटका दिया जाता है। हमारी एक छोटा सा मांग है कि इस जो रोड है इसका डामरीकरण कर दिया जाए। प्रशासन ने पिछली बार हमने आंदोलन किया तो काफी लंबे समय तक आंदोलन चला, तो प्रशासन के अलग अलग विभागों से आए, उन्होंने हमें 1.5 महीने का आश्वासन दिया कि आपको 1.5 महीने के अंदर हम आपकी समस्या का निवारण करेंगे, लिखित में हमें दे दिया था। पर अब समय 1.5 महीने से ऊपर 2 या 3 महीने हो गए हैं, अब हमें लटकाने का काम किया जा रहा है। कभी कोई आपत्ति लगा दी जा रही है, कभी कोई आपत्ति लगा दी जा रही है। अभी नए आपत्ति उन्होंने लगा दी कि इसमें पेड़ 66 पेड़ आ रहे हैं,
मैं पूछना चाहता हूँ इनसे कि 66-67 पेड़ कहाँ आ रहे हैं, कि ऑलरेडी जब ये सड़क बनी हुई है, सिर्फ हम इसे हम ना इसके कटान की मांग करें ना हम कुछ करें, हम सिर्फ ये करें कि जो ये बनी हुई है इसका डामरीकरण कर दो, हम इसे कटान की बात नहीं करें, पर ये हमें लटकाने का काम कर रही है। अगर ये समय रहते इस मांग को पूरी नहीं करते तो हम एक उग्र आंदोलन करेंगे, उस उग्र आंदोलन में फिर हम ये चंबा की सारी सड़कों को जाम करने का एक तो हम काम करेंगे, अगर इससे भी बात नहीं बनी तो हम आत्मदाह करने के लिए भी तैयार हैं। पर अब इस आंदोलन को हम रोकेंगे, अगर समय रहते इन्होंने कार्यवाही नहीं की तो ये उग्र आंदोलन का रूप लेगा जिसका प्रशासन स्वयं जिम्मेदार हो। दिनेश प्रसाद सकलानी, इसमें जो मेन मुद्दा है चंबा से नागनी वाला जो बाईपास मार्ग है, इसमें जंगलात की भूमि का जो मार्ग है केवल 900 मीटर का है, इस पर डामरीकरण के लिए हमने मांग की थी। जंगलात वाले कुछ आपत्ति लगा रहे हैं, पीड़ वाले कुछ आपत्ति लगा रहे हैं ताकि ये काम लटकता जाए, जबकि इस मार्ग को ठीक करने में इतना ज़्यादा पेड़ कोई नहीं कट रहा है, फिर भी ये पेड़ का बहाना ले रहे हैं, जबकि जो शिवरा धुलानी के ऊपर जो बाण का जंगल है उसमें कितने पेड़ दब रहे हैं, इस तरफ वन विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा है, यहाँ के वो दो चार पेड़ मुश्किल से कटेंगे, इस पर जल्द ये कह रहे हैं 60-60 पेड़ कटेंगे। दूसरी बात यह है कि ये इस मार्ग की इतनी बुरी हालत है कि हम मेरी उम्र में 14-15 साल की है, पैदल चलना यहाँ इस रोड पर बहुत मुश्किल है, पत्थर ही पत्थर हैं, डरे जाते हैं, बच्चे स्कूल ले जाते हैं वो भी अटक जाते हैं। आजकल क्या हो रहा है कि ये लड़कियाँ सबसे ज़्यादा स्कूटी चला रही है, 2-3 बार मैंने अपनी नज़रों से देख लिया बच्चों को वहाँ पर गिरते गए। अब ये विभाग ये चाहता है कि जब तक यहाँ कोई कांड ना हो जाए तब तक इस पर सुनवाई करने को तैयार नहीं है।